दोस्तों, आज हम एक बहुत ही खुशबूदार पौधे के बारे में, फूल के बारे में बात करेंगे। इसका नाम है जिंजर लिली, बटरफ्लाई लिली, गुल बकावली, या इसका साइंटिफिक नाम जो है हेडिचियम कोरोनारियम। तो यह जो पौधा है, वैसे तो हिमालय क्षेत्र का पौधा है, हिमालय की तलहटी के क्षेत्रों में यह पौधा आम तौर पर पाया जाता है, और नेपाल, वियतनाम, मलेशिया, इंडोनेशिया के क्षेत्रों में यह पौधा बहुत अधिक मात्रा में पाया जाता है। नेपाल में इस पौधे का नाम है दूध केवरा। तो यह पौधा मेडिसिनल प्लांट भी है। इसमें इस पौधे का जो फूलों का उपयोग होता है, सर दर्द या गठिया का कोई दर्द होगा, या चाइनीज़ कोई मेडिसिन बनती है, चाइनीज जो प्राकृतिक चिकित्सा करते हैं चाइनीज़ लोग, उसके लिए उन लोग उपयोग में लाते हैं, या टेंसिल अगर किसी को होती है तो इसके तने को चबा कर उसका उपयोग किया जाता है। भारत में गुल बकावली का जो अर्क है यह भी बिकता है, और आँखों की कुछ बीमारियों के लिए भी इसका उपयोग किया जाता है। खैर, हमारा टॉपिक इस पौधे के बारे में जानकारी देना है, तो हम वहीं पर इसे चालू करते हैं। तो जैसा कि हमने पहले बताया कि यह हिमालय क्षेत्र का पौधा है, तो इसलिए इस पौधे को आपको आंशिक छाया में ही रखना है, तेज़ धूप में नहीं रखना है। सबसे पहला टिप्स यही रहेगा कि इस पौधे को आपको छायादार जगह में रखना है। और जैसे कि आप इसके पत्ते देख रहे हैं, बिल्कुल चिकने और लंबे लंबे, बिल्कुल हल्दी के पौधे के जो पत्ते होते हैं, बिल्कुल इसी तरह के इसके भी पत्ते होते हैं, उसी की प्रजाति मानी जाती है। और देखेंगे इसमें बहुत सारे राइजोम नीचे से निकलते हैं। अगर आप कहीं पर एक जगह इसे लगा देंगे तो इसमें ढेर सारे और शाखाएं निकलती रहती हैं, और यह बहुत ही खुशबूदार फूल होने के कारण इसकी पहचान ही है कि बहुत तेज़ खुशबू। तो यह बहुत गुच्छों में लगने वाला फूल होता है, सफ़ेद सफ़ेद इसके फूल ढेर सारे जब गुच्छों में लगते हैं, आप देख रहे हैं, ये देखिए बर्ड इसके बन रहे थे जब, उस समय का रिकॉर्डिंग है ये। इसमें गुच्छों में फूल लगते हैं, इसलिए इसके जो बर्ड्स होते हैं वो भी काफ़ी मोटे और चौड़े से होते हैं। तो इसे अगर हम पानी की बात करें और इसकी मिट्टी के बारे में बात करेंगे, तो जो इसकी मिट्टी है, अगर आप कंटेनर या गमले में लगाते हैं तो इसकी जो मिट्टी है वेल ड्रेन मिट्टी तो होनी ही चाहिए, गमले में पानी ना रुके। परंतु इसकी मिट्टी में अगर पानी की बात करेंगे तो हमेशा नमी रहनी चाहिए। यह पौधा नमी को पसंद करता है, इसलिए आपको इसमें लगातार पानी देते रहना है, गमले की मिट्टी पूरी तरह से ना सूखने दें। तो इसके बाद हम बात करेंगे इसके जो फूल होते हैं, इसके फूल अधिकांश रात के समय खिलते हैं और बहुत ही खूबसूरत तितली के समान दिखाई देते हैं, इसलिए इसे बटरफ्लाई लिली भी कहा जाता है। और यह जो फूल है, सवेरे जब तेज़ धूप पड़ती है तो एक दिन में ही यह मुरझा जाते हैं, परंतु इसकी तेज़ जो खुशबू होती है वह बिल्कुल मन को शांत करने वाली होती है। और इस पौधे में आमतौर पर किसी कीड़े मकोड़े का कोई प्रभाव नहीं देखा गया है। कभी कभार बहुत अधिक पानी अगर गमले में रुक जाएगा तो फंगस की संभावना हो सकती है। तो इसमें आप देख रहे होंगे जड़ों के आसपास में इस तरह से छिलके के समान निकलते हैं, उसे आप समय समय पर हटाते रहें, ताकि गमले में आपने या कंटेनर में जहां भी इसे लगाया हुआ है तो इस पौधे को ग्रोथ इससे मिलेगी, और चारों तरफ की मिट्टी अगर नरम रहेगी तो यह पौधा बहुत ही अच्छे से ग्रोथ करता है। तो इसलिए आपको यह सारे जो छिलके के समान होते हैं, इस तरह के पाम ट्री में भी आमतौर पर देखा जाता है, उसे भी हटाते हैं, तो इसलिए इसे भी आपको हटाते रहना है। तो इससे इसको ग्रोथ, इसकी बढ़ने में सहायता मिलेगी और इसकी ग्रोथ बढ़ेगी। अब इस पौधे को अगर हम प्रोपोगेशन की बात करेंगे तो इसका प्रोपोगेशन बहुत ही आसान होता है। आप देखेंगे, ये देखिए इसके जो बल्ब होते हैं, आप इसे बल्ब के सहारे बहुत ही आसानी से प्रोपोगेट कर सकते हैं, मल्टीप्लाई कर सकते हैं, एक पौधे से अनेक पौधे बन सकते हैं। और ये देखिए, ये राइजोम है, राइजोम के सहारे भी इस पौधे को आप राइजोम निकाल के अगर दूसरे जगह में, कहीं दूसरे कंटेनर में या गमले में लगा देंगे तो वह बहुत ही आसानी के साथ में ग्रो कर जाता है। तो यह पौधा बहुत ही यूज़फुल पौधा है, बहुत ही खुशबूदार इसके जो फूल होते हैं वो बहुत ही सुंदर भी दिखाई देते हैं, गुच्छों में लगने के कारण एक गुलदस्ते के समान इसके फूल होते हैं। तो इस पौधे को अगर आप अपने गार्डन में लगाएंगे तो आपके गार्डन की खूबसूरती बहुत अधिक बढ़ जाएगी।
तो इसका जो तेल होता है, इसका तेल भी बहुत महंगा बिकता है बाजार में, परंतु हम छोटे गार्डनर अगर इसे एक दो पौधे लगाते हैं तो खुशबू के लिए ही लगाते हैं। अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, कमेंट करें और अपनी प्रतिक्रिया ज़रूर दें। धन्यवाद।